राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि पवार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार काफी परेशान हैं और वह राजनीति से संन्यास के बारे में भी सोच रहे हैं। बताते चले कि करीब 25,000 करोड़ के महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी ने शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के खिलाफ FIR दर्ज की है। विधानसभा स्पीकर हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि उन्हें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस्तीफा शाम को मिला। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अजीत उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आने के बाद बहुत परेशान है। पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने से पहले अजीत पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार से कहा है कि राजनीति आज अपने निम्न स्तर पर है, इसलिए राजनीति छोड़ना ही बेहतर है। अजीत ने बेटे को राजनीति छोड़ने की सलाह भी दी है और कहा है कि अब चलो खेती या अन्य कोई व्यवसाय करते हैं। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।